Hello students, welcome to this channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSE NCERT book chapter Introduction to Trigonometry. Exercise 8.3 question 1 part 4 को यहाँ पे हम solve करेंगे. इस question के part 1, part 2, part 3 को हम previous videos में solve कर चुके हैं. उन्हें आप watch करें and इस question को खुद से solve करें. I hope आप इसे खुद से solve कर लेंगे मेरी previous videos को देख करके, क्योंकि मैंने बहुत easy method में से आपको समझा रखा है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इवेलुएट करना है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को. तो इसे इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले इसे हम लिख इसे नीचे एक बार राइट डाउन कर लेते हैं. कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, और ये देखिए आपका 31 डिग्री एंड 59 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका सम 90 हो या 90 से लेस देन हो, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. तो दोनों का देख लीजिए, 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है दोनों में से एक को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. चलिए हम यहाँ पे कोसेक को चेंज कर देते हैं, यानी कि 31 को 31 की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं. 31 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री. ठीक है बच्चों, 31 के रिप्लेस में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं. चलिए पुट कर देते हैं, कोसेक 31 के रिप्लेस में 90 माइनस 59 डिग्री, माइनस में आपका ऑलरेडी चल रहा है क्या, सेक 59 डिग्री. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है. कौन सा फॉर्मूला बता रखा है, मैंने बता रखा है आपको कोसेक 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू सेक थीटा. ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व कर देते हैं. अभी देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 59 इज योर थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा sec, sec थीटा के रिप्लेस पे आ जाएगा 59 डिग्री, माइनस में है sec 59 डिग्री. ठीक है बच्चों, कोई परेशानी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है. पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया. अब देखिए आपका जो आंसर है वो जीरो आ गया. ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम करेंगे, जिसको भी चेंज करना है उसे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए. डिसाइड करेंगे हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एंड थीटा के रिप्लेस पे उसको पुट करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर लेंगे. आई होप आपको एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.